आइए हम लोग क्लास सेवेंथ के मैथ्स का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा हम पाइथागोरस का जो कंसेप्ट है उसको भी यूज करेंगे और कुछ थोड़े से एडवांस कंसेप्ट को यूज करेंगे पैरेललोग्राम से रिलेटेड। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है रोम्बस। मैं आपको रोम्बस के बारे में बता देता हूं। रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। अगर ये एबीसीडी एक रोम्बस है तो इसकी क्या खासियत होगी कि ए बी इक्वल्स है बीसी के, इक्वल्स है सीडी के, इक्वल्स है एडी के, चारों साइड इसके इक्वल है। आप बोलेगा सर ये फिर स्क्वायर क्यों नहीं है? स्क्वायर के भी तो चारों साइड इक्वल होते हैं। ये स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री भी होता है। रोम्बस के लिए ये गारंटी नहीं है कि वो 90 होगा। एक बात मान के चलिए, हर स्क्वायर एक रोम्बस है लेकिन हर रोम्बस एक स्क्वायर नहीं है। ये कंफ्यूजन हटा लीजिए मन से। दूसरा और क्या है बात, चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी जो है वो इक्वल होगा सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के। सिमिलरली ए बी जो है वो इक्वल होगा बी सी के, ए बी जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। रोम्बस की एक बहुत बड़ी खासियत होती है क्या, वैसे तो किसी भी पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और रोम्बस की क्या खासियत है कि वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर इस पॉइंट को मैं ओ मान लूं तो कहने का क्या मतलब हो गया, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और रोम्बस के बारे में क्या है खासियत कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहां पर ये जो दो फैक्ट निकल करके आया है, इस फैक्ट का क्या मतलब हुआ? इस फैक्ट का मतलब हुआ कि AO इक्वल होगा CO के, BO इक्वल होगा DO के, और क्या होगा कि एंगल AOB इक्वल होगा एंगल BOC के, इक्वल होगा एंगल COD के, इक्वल होगा एंगल AOD के, और ये सारे 90 डिग्री होंगे। अब यहां पर क्या बोलता है कि डायगोनल्स जो है, एक डायगोनल है 30 का, एक है 16 का, तो 30 वाला कोई सा भी मान लीजिए वो बाइसेक्ट हो गया, यानी इधर वाला पार्ट 15 हो गया और ये वाला पार्ट 15 हो गया, और ये 16 है तो ये 16 का आधा 8 हो गया और ये 8 हो गया। अब तो ये काम बहुत आसान हो गया, क्या कि इन राइट ट्राइंगल कोई सा भी ले लीजिए, मैं AOB को ले रहा हूं, AOB राइट ट्राइंगल, ये देखिए उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये रहा और ये रहा, डायग्राम भी बना दे रहा हूं अलग से। ये आपका AB हो जा रहा है, ये आपका O हो रहा है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा? 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका AB। तो AB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AO का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी बीओ का स्क्वायर का अंडर रूट। एओ कितना दिया हुआ है?
एओ है ए, बीओ कितना है, बीओ है 15, ए का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, यानी रूट 100 289, और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब है कि हर साइड 17 का हो गया, एक 17 निकला तो हर साइड 17 सेंटीमीटर का हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, पेरिमीटर। नाउ पेरिमीटर ऑफ द रोम्बस, पेरिमीटर ऑफ द रोम्बस, तो पेरिमीटर ऑफ द रोम्बस क्या होता है, 4 × 5, यानी 4 × 17, 68 सेंटीमीटर। तो ये था इसका आंसर। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। पूरा देख लीजिए। थैंक यू। ये जब नहीं दिखा वो तो पहले कौन सा निकल रहा था। क्रॉप कर देना, क्रॉप कर देना।